स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीति शर्मा। आज मैं आपको स्पेशल आलू चाट बनाना बताऊंगी। यहाँ मैंने चार मीडियम उबले आलू लिए हैं, उन्हें छील लिया है और इसके मैंने पीस कर लिए हैं। गैस ऑन करके मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। जो मैंने आलू के पीस किए थे इनको मैं गर्म तेल में डालूंगी। अब इन आलू को मैं गोल्डन ब्राउन कलर का करूंगी। ये आलू हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक पेपर पर निकाल लूंगी। आलू को मैंने पेपर पर निकाल लिया है। अब इसी गरम तेल में मैं पनीर डालूंगी। ये मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है, इसको क्यूब्स में कर लिया है। इसको भी मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। ये पनीर हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है, इसको मैं एक बोल में निकाल लूंगी। ये मैंने अदरक के लच्छे लिए हैं, ये मैंने अदरक को पतला पतला काट लिया है। इसको भी मैं गरम तेल में डालूंगी। ये अदरक हमारी फ्राई हो गई है, इसको मैं अब हम गैस को ऑफ करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़ा बोल लिया है, इसमें मैं आलू डालूंगी जो मैंने आलू तल के रखे थे, और पनीर भी इसमें डाल देंगे, अदरक भी हम डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब चार बड़े चम्मच मैं इसमें हरी चटनी डालूंगी। ये मैंने धनिए और हरी मिर्च से चटनी बनाई है जो हम अक्सर घर में बनाते हैं। एक बड़ा चम्मच हम हरी मिर्च डालेंगे इसमें। एक बड़ा चम्मच हम बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे, तो मैंने इसको काट के रख लिया है। एक चुटकी हम काला नमक इसमें डालेंगे, हल्का सा सफेद नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। एक बड़ा चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से चलाएंगे। इन सबको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे सर्विंग बोल में डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कद्दूकस करके पनीर डालूंगी। जो अदरक के लच्छे हमने रखे थे वो भी हम साइड से लगा देंगे। लीजिए, हमारी स्पेशल आलू चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे जल्दी से बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए।